राहुल गांधी के आम वाले बयान पर बोले सीएम योगी, राहुल गांधी का टेस्ट ही विभाजनकारी, आपके विभाजनकारी संस्कारों से पूरा देश परिचित है। सीएम योगी ने कहा, राहुल गांधी ने फल के स्वाद को भी अपने क्षेत्रवाद की आग में झोंक दिया, लेकिन कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत का स्वाद एक है। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी सांसद रवि किशन का भी तंज, कहा राहुल को यूपी का आम नहीं पसंद, यूपी को कांग्रेस नहीं पसंद। जौनपुर में बीजेपी पर बरसे राजभर, कहा नागपुर में एक प्रयोगशाला है, वहीं से ये लोग झूठ बोलने की ट्रेनिंग लेकर राजनीति करती है बीजेपी। ओम प्रकाश राजभर ने कहा ये लोग राजनीति के जोकर हैं, ब्राह्मण समाज पूरी तरीके से बीजेपी से नाराज है, 2022 के चुनाव में बीजेपी को हराने का काम करेंगे। यूपी में गठबंधन में बोले ओपी राजभर, मायावती से गठबंधन नहीं करने जा रहा हूं, कांग्रेस अभी और तैयारी करे, उसके बाद गठबंधन के बारे में सोचा जाएगा। अयोध्या में बीएसपी के ब्राह्मण कार्ड के बीच सीएम योगी का अयोध्या दौरा तय, 25 जुलाई को रामनगरी का करेंगे दौरा, विकास कार्यों का लेंगे जायजा। देश की अर्थव्यवस्था को लेकर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने एक बार फिर जताई चिंता, कहा देश की अर्थव्यवस्था के लिए आगे की राह और कठिन। मनमोहन सिंह ने कहा पेट्रोल डीजल के दाम अब तक के सबसे उच्चतम स्तर पर, थोक महंगाई दर में भी वृद्धि, इकोनॉमी के लिए 1991 से भी मुश्किल वक्त। किसान संसद का तीसरा दिन, किसान आज कृषि कानून के विरोध में बिजनौर से दिल्ली तक ट्रैक्टर यात्रा निकालेंगे। दो दिन के पूर्वोत्तर के दौरे पर आज शिलांग जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह, नॉर्थ ईस्ट के मुख्यमंत्रियों के साथ गृहमंत्री करेंगे बैठक। नॉर्थ ईस्ट काउंसिल की बैठक की गृहमंत्री करेंगे अध्यक्षता, बैठक में नॉर्थ ईस्ट के सभी 7 राज्यों के मुख्यमंत्री रहेंगे मौजूद। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज 2 दिवसीय गोवा का दौरा, गोवा में संगठन की बैठक में शामिल होंगे, अगले साल गोवा में चुनाव होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरु पूर्णिमा के मौके पर देशवासियों को देंगे खास संदेश, आज सुबह 8:30 बजे अपना संदेश देशवासियों से करेंगे साझा। संस्कृति मंत्रालय गुरु पूर्णिमा को धम्म चक्र दिवस के तौर पर मनाता है, कोरोना की वजह से किसी बड़े कार्यक्रम का आयोजन इस बार नहीं किया गया। यूपी के सीएम योगी गोरखपुर में गुरु पूर्णिमा मनाएंगे, गोरखनाथ मंदिर परिसर के सभागार में गुरु पूर्णिमा मनाई जाएगी। गुरु गोरखनाथ की पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करेंगे सीएम योगी, गुरु शिष्य परंपरा के महत्व पर नाथ पंथ में को लेकर विचार भी साझा करेंगे। शाम 3 बजे सीएम योगी गोरखपुर से देवरिया जाएंगे, देवरिया में बन रहे बाबा मेडिकल कॉलेज का भी करेंगे निरीक्षण, शाम 4:30 बजे गोरखपुर लौटेंगे। पोर्नोग्राफी केस में शिल्पा शेट्टी के बैंक खातों की भी होगी जांच, 4 घंटे तक कुंद्रा केस में शिल्पा से पूछताछ। क्राइम ब्रांच ने राजकुंद्रा मामले में कोर्ट में किया बड़ा खुलासा, पुलिस के मुताबिक कुंद्रा पोर्नोग्राफी से कमाई का इस्तेमाल ऑनलाइन बैटिंग में कर रहे थे। मुंबई क्राइम ब्रांच के मुताबिक बैटिंग के लिए यस बैंक से यूनाइटेड बैंक ऑफ अफ्रीका के अकाउंट में कई ट्रांजैक्शंस भी किए गए। मुंबई क्राइम ब्रांच ने राजकुंद्रा के ऑफिस से अश्लील फिल्मों वाला लैपटॉप किया बरामद, 48 टीवी डेटा के बारे में पता लगाया जा रहा है। कुंद्रा के लैपटॉप से 51 अश्लील फिल्में मिली हैं, क्राइम ब्रांच के मुताबिक एक डीलर के साथ राजकुंद्रा की 19 अश्लील फिल्मों को लेकर डील हुई थी। पूछताछ में राजकुंद्रा के अकाउंटेंट ने बताया एक महीने का खर्च 4,000 से 10,000 पाउंड था, डिलीट किए गए डेटा को रिट्रीव किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में ड्रोन हमलों का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, जम्मू डिवीजन में शाम में 2 ड्रोन देखे गए, शुक्रवार को जम्मू कश्मीर में कुल 3 ड्रोन देखे। जम्मू कश्मीर के पूंछ में नापाक बैलून मिलने से हड़कंप, पाकिस्तानी एयरलाइंस के मॉडल जैसा है बैलून, जांच में जुटी सुरक्षा एजेंसी। जम्मू कश्मीर के त्राल में आतंकी हमला, आतंकियों ने एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी, सुरक्षा बलों ने जारी किया अलर्ट। नवाज शरीफ आज पीओके इलेक्शन कैंपेन को करेंगे दोपहर 12 बजे, पीओके की जनता को करेंगे संबोधित। इमरान खान ने पीओके में रैली के दौरान कहा कश्मीरियों पर हिंदुस्तान ने जुल्म किया लेकिन उनमें आजादी का है जज्बा। इमरान खान ने कहा कश्मीर के लोगों का बलिदान नहीं होगा बर्बाद, जनमत संग्राम में कश्मीर के लोग पाकिस्तान के साथ रहना पसंद करेंगे। जम्मू कश्मीर में बहाल हुई बनिहाल और बारामूला के बीच ट्रेन सेवा, ईद पर नॉर्दर्न रेलवे ने 2 दिन के लिए बंद की थी ट्रेन सेवा। सीआईएससी आज 10वीं और 12वीं कक्षा का परिणाम घोषित करेगा, दोपहर 3 बजे छात्र देख सकेंगे अपना रिजल्ट। देश में धीमी पड़ी कोरोना की रफ्तार, पिछले 24 घंटे में 35,342 लोग हुए कोरोना से संक्रमित, 483 लोगों की जान चली। दिल्ली में मोहम्मदपुर गांव का नाम बदलकर माधापुर रखने की मांग, पार्षद ने दलील देते हुए कहा यहां अब हिंदू आबादी ज्यादा है। पार्षद ने कहा मुगल काल में इस गांव का नाम मोहम्मदपुर पड़ा था, समय के साथ गांव में काफी हुआ परिवर्तन, ऐसे में गांव का नाम माधवपुर होना चाहिए। महाराष्ट्र के बाढ़ प्रभावित रत्नागिरी और सतारा जिलों में आज भी मूसलाधार बारिश का अनुमान, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। मौसम विभाग ने रत्नागिरी और सतारा के लिए रेड अलर्ट जारी किया, वहीं ठाणे, रायगढ़, पुणे और साथ ही कोल्हापुर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। मौसम विभाग के मुताबिक मुंबई और पालघर में आज बारिश से थोड़ी राहत मिल सकती है, इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी।
महाराष्ट्र में भारी बरसात से अब तक 129 लोगों की मौत हो चुकी है। चिपलूड़ के अस्पताल में पानी भरने से बंद हुआ वेंटिलेटर, 11 कोरोना मरीजों की मौत। कर्नाटक के बेलगाम में लैंडस्लाइड से बड़ा हादसा, मिट्टी दरकने से मलबे में दबी पूरी ट्रेन, कर्नाटक गोवा रूट पर हुआ हादसा। कर्नाटक के बेलगाम में बारिश की वजह से ट्रेन के अंदर भरा पानी, यात्रियों ने किसी तरह अपने को सुरक्षित किया। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बारिश ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, दूधगंगा नदी पर बने पुल के ऊपर से बह रहा है पानी। टोक्यो में ओलंपिक 2020 की रंगारंग शुरुआत, कोरोना संक्रमण को देखते हुए ओपनिंग सेरेमनी में मात्र 1000 लोगों को ही स्टेडियम में मिली थी जगह। पीएम मोदी ने ओलंपिक उद्घाटन समारोह का देखा सीधा प्रसारण, भारतीय खिलाड़ियों का खड़े होकर तालियों से किया स्वागत। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में देखा ओलंपिक 2020 की ओपनिंग सेरेमनी, टोक्यो में मौजूद भारतीय खिलाड़ियों की हौसला अफजाई। अहमदाबाद फैक्ट्री हादसे में गुना के 13 मजदूर घायल, 7 की मौत, गैस लीक होने से हुआ दर्दनाक हादसा, वेरवास गांव से मजदूरी करने गए थे सभी। आरबीआई ने बैंकों के बोर्ड डायरेक्टर्स और उसके परिवार वालों के लिए पर्सनल लोन के लिमिट को बढ़ाकर 5 करोड़ कर दिया, पहले लिमिट 25 लाख रुपए। रेलवे की प्राइवेट ट्रेन योजना को कंपनियों का मिला जबरदस्त रिस्पॉन्स, रेल मंत्रालय को 29 जोड़ी ट्रेन चलाने के लिए 7200 करोड़ रुपए की बोली लगी। श्रीलंका ने तीसरे वनडे में भारत को 3 विकेट से हरा दिया, भारतीय टीम ने 3 मैचेस की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर दी।